हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैंने देखी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ब्रांड न्यू सीरीज सैवेज ब्यूटी, जिसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सीरीज की, जिसकी कहानी फोकस करती है जिनले पर, जो पेंगू फैमिली और उनकी ग्लोबल ब्यूटी एम्पायर में शामिल होती है बर्थडे के लिए अपने मिस्टीरियस पास्ट के चलते, जो क्या है और क्या नहीं, और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की ब्रांड न्यू सीरीज सैवेज ब्यूटी, जो नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई एक और रिवेंज ड्रामा है, यानी वही कैरेक्टर का बदले की आग में जलना, जिस बदले के लिए वो कुछ भी करेगा, जो कि शो का मेन फोकस है, यानी जिनले, जिसकी पेंगू फैमिली को बर्बाद करने की इस पूरी की पूरी जर्नी में हमें जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलते हैं थ्रू आउट दी सीरीज, वो काफी बढ़िया है। बाकी जिनले का मिस्टीरियस पास तो है ही, जिसके लिए हम इस शो को देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, जिसके चलते नो डाउट शो इंटरेस्टिंग बनता है, खास करके पेंगू फैमिली के डार्क सीक्रेट्स जो एक एक कर रिवील होते हैं। बाकी कैरेक्टर का सक्सेस के लिए कुछ भी करना, फिर भले से अंजाम कुछ भी हो, ये भी ये सीरीज बहुत अच्छे से दिखाती है कैरेक्टर्स के जरिए, और साथ ही साथ एक वुमन की इम्पोर्टेंस भी। बाकी ऐसे ही कई सारी चीजें शो में भरी पड़ी है, जिन्हें बस आपको देखना और इंजॉय करना है, क्योंकि ये एक इंगेजिंग रिवेंज ड्रामा है, जिसे इसकी नई तो नहीं पर हाँ कुछ हद तक अच्छी कहानी और प्रेजेंटेशन के चलते देखा जा सकता है। बाकी बात एक्टिंग और कैरेक्टर्स की करूँ तो यूँ तो सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, नो डाउट, पर स्पेशल मेंशन बनता है जिनले का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस रोजमेरी ज़ेमो का, जो पूरे टाइम स्क्रीन पर छाई रहती है। बाकी ऐसे ही नाम डॉन बेंगू बने एक्टर डमिशानी और थाती मोसेस का आएगा, जिन्होंने ग्रेस के रोल को प्ले किया है, जिन सभी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, लिटरली काफी बढ़िया। बाकी बात कैरेक्टर्स की भी करना बनता है, खास करके डॉन बेंगू की, जो कि हेड ऑफ फैमिली है, जिसके चलते उसके रूल्स फैमिली को ट्रीट करना और उन्हें कंट्रोल करना शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसकी प्रेजेंटेशन नो डाउट अच्छी है। बाकी जिनले की हमें दो साइड देखने मिलती है, जिन्हें अगेन स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है इमोशंस के साथ। बाकी शो का डायरेक्शन हर बार की तरह ही अच्छा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से हर बार पैसा दिल खोल कर दिया जाता है। बाकी बीजीएम भी अच्छा है और एडिटिंग भी, पर वहीं बात वीक पॉइंट्स की करूं तो वो है कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट जो ठीक ठाक है, तो वहीं पेंगू फैमिली को लेकर जो कुछ भी देखने मिलता है वो नया नहीं है, पर फिर भी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिसके चलते इस वीक पॉइंट को नजरअंदाज किया जा सकता है। पर हाँ, शो के डायलॉग्स ठीक ठाक है, जो कई बार कुछ जगहों पर थोड़े ओवरफील होते हैं, जिसके एपिसोड की गिनती 6 है और लेंथ लगभग 50 मिनट की। तो ओवरऑल मेरी नजर में सैवेज ब्यूटी एक टाइम पास सी रिवेंज ड्रामा सीरीज है, जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, पर अपनी फैमिली के साथ नहीं, जिसे नेटफ्लिक्स पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रिलीज किया गया है। सीरीज सैवेज ब्यूटी को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था सैवेज ब्यूटी को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू, जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।